ACN 24। रायगढ़ में स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस को जिला अधिवक्ता संघ रायगढ़ द्वारा अधिवक्ता दिवस के रूप में श्रद्धा पूर्वक मनाया गया, जिसमें जिला सत्र न्यायाधीश रमा शंकर प्रसाद सहित समस्त न्यायाधीश व अधिवक्ता गण उपस्थित रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म दिवस को आज जिला अधिवक्ता संघ रायगढ़ द्वारा अधिवक्ता दिवस के रूप में समारोह पूर्वक मनाया गया। जिला न्यायाधीश श्री रमा शंकर प्रसाद एवं समस्त न्यायाधीश गढ़ की गरिमा में उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम संघ की मान्य परंपरा के अनुपालन में वरिष्ठ अधिवक्ता गण को सम्मान किया गया। उद्बोधन प्रस्तुत करते हुए संघ के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जिला न्यायाधीश महोदय ने अधिवक्ता समाज के प्रति अवदानों व दायित्व को रेखांकित करते हुए समाज की दशा व दिशा परिवर्तन में अधिवक्ता के महत्व को प्रतिपादित किया। समाज सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिवक्ताओं ने आज अपनी वर्तमान परिस्थिति पर सार्थक चर्चा की, जिसका सफल व प्रभावी संचालन संघ के सचिव राजेंद्र कुमार पांडे द्वारा किया गया। अधिवक्ता दिवस आज हमारे जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा मनाया गया। ये हमारा एक लगातार काफ़ी वर्षों से आयोजन हम आज के इस दिवस में करते हैं। इस दिवस को हम राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है, उनके उपलक्ष में भी अधिवक्ता दिवस के नाम से आज मनाया जाता है। आज का दिन हमारे सभी अधिवक्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन अधिवक्ता अपने आचरण, अपने व्यवहार से समाज को जो योगदान दे सकते हैं उसके बारे में काफ़ी चर्चाएं होती हैं, और विशेष तौर पे एक आयोजन हम आज रखते हैं कि हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जो हमारे बुजुर्ग रूप में हैं, उनके आशीर्वाद स्वरूप हम उनका सम्मान करते हुए अपने कनिष्ठ जनों को वो आशीर्वाद देते हैं। ऐसे लगभग हम अपने संघ से 10 अधिवक्ताओं को सम्मानित करते हैं साल और श्रीफल से, और इसका प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि हमारा ये जो संघ है वो एक परिवार के रूप में चले, बुजुर्गों का सम्मान हो, ताकि उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद एक ज्ञान के रूप में हमें कनिष्ठ अधिवक्ताओं को मिले, और हम अपने आने वाले अधिवक्ता जो भविष्य है उसका आचरण बड़ा संयमित तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से हम कर सकें, और एक आने वाले समय में सफल अधिवक्ता के रूप में समाज को अपना योगदान दे सकें, और न्याय की दान की प्रक्रिया में हम अपना विशेष सहयोग दे सकें। हाँ, आज 3 दिसंबर को पूरा हिंदुस्तान आज अधिवक्ता दिवस के रूप में इसे बड़े धूमधाम से मनाता है, और ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है, और इस जयंती के अवसर पे हम लोग अपना पुनरावलोकन करते हैं। एक विहंगम दृष्टि डालने और सोच की ज़रूरत है कि हमने जो है पुराने समय में, मतलब कि आज से पिछले एक साल तक क्या किया, और आगे जो है हमको क्या करना चाहिए, कौन सी कमी बेसियाँ हैं जो अधिवक्ताओं के आचरण में, उनके व्यवहार में या उनकी कार्यशैली में पाई मैंने विद्यमान है, और उनको जो है अपना उस खुद का आत्मावलोकन करके, आत्म चिंतन करके और विचार करना चाहिए कि हम और कितने अच्छे तरीके से हम अपने पक्षकारों को न्याय दिलाने में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि इस जन्म तिथि को जो मनाने का जो एक निर्णय लिया गया, और वो भी एक महान देशभक्त, महान विद्वान और महान अधिवक्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन यदि अधिवक्ता बंधुओं के लिए एक दिवस के रूप में घोषित किया गया है, तो इसके पीछे अधिवक्ताओं की वो त्याग, तपस्या और जो है उत्सर्जन की जो उनकी भावना है, इन सारी भावनाओं को जो है अधिवक्ताओं में कूट कूट कर आज भी भरने की आवश्यकता है कि अपने पक्षकारों के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति अधिवक्ता ऐसे कार्य करें कि वो समाज और देश आगे बढ़े। अधिवक्ताओं का क्षेत्र सिर्फ विधि का क्षेत्र ही ना होकर समाज के क्षेत्र में भी वो जाएं, और इस दृष्टि से हमारे अधिवक्ता बंधु विधिक सहायता के क्षेत्र में भी निःशुल्क काम करते हैं, और कई ऐसे प्रकल्प हैं जिसमें अधिवक्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अपने पास आने वाले पक्षकारों को न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं, और इस न्याय की दिशा में एक अधिवक्ता जितना जो कुछ कर सकता है वो उसका शायद एक समुद्र में बूंद के समान ही प्रयास हो, लेकिन करत करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात है
सिलते पड़त निशान, यदि हम ऐसे समाज को उत्तिष्ठ करने और उत्थान करने में जुड़े रहेंगे तो हम निश्चित रूप से भारत को एक दिन महान भारत बनाने में सफल होंगे। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।